हालिया घटनाक्रमों ने एक बड़े सवाल को जन्म दिया है। सवाल ये कि क्या भारतीय जनता पार्टी के पास पश्चिम बंगाल में चुनाव लड़वाने के लिए उम्मीदवार तक नहीं है। बंगाल में खेला हो रहा है और इस खेले में धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी पिछड़ती जा रही है। दो महत्वपूर्ण बयान हम आपको बताना चाहेंगे। पहला बयान अमित शाह का, जिन्होंने कहा था कि चाहे कुछ भी हो जाए 200 से अधिक विधानसभा सीटों के साथ पश्चिम बंगाल में सरकार बनाएंगे। 200 से ज्यादा सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार यहां पर बनाने जा रही है। दूसरा बयान तो नहीं है, ट्वीट है। ट्वीट चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर का, जो उन्होंने 21 दिसंबर 2020 को किया था। ट्वीट में प्रशांत ने लिखा था कि समर्थित मीडिया हाउसेस के द्वारा चाहे कितना भी हाइप क्रिएट कर लिया जाए, लेकिन वास्तविकता यह है कि पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी दहाई के अंक को क्रॉस करने में भी स्ट्रगल करेगी। ये बात नोट करके रख लीजिए। और अब ट्विटर पर हमला किया है महुआ मोइत्रा ने। महुआ मोइत्रा ने ट्वीट किया है और अमित शाह को नसीहत दी है, नसीहत अधिक होमवर्क करने की। ये नसीहत महुआ मोइत्रा अमित शाह को क्यों दे रही हैं वो आपको बताते हैं। तो साहब, काफी देरी के बाद आखिरकार भारतीय जनता पार्टी ने अंतिम चार चरणों के लिए भी उम्मीदवारों की घोषणा कर दी। खबर ये नहीं है कि बीजेपी ने उम्मीदवारों की घोषणा की, खबर ये भी नहीं है कि देरी से बीजेपी ने ऐसा किया, बल्कि खबर ये है कि जिन उम्मीदवारों की घोषणा भारतीय जनता पार्टी ने की, उनमें से दो उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि टिकट देने से पहले ना तो उनसे कोई बातचीत की गई थी, ना ही वो भारतीय जनता पार्टी में हैं और ना ही भारतीय जनता पार्टी के टिकट से चुनाव लड़ना चाहते हैं। इन दोनों नेताओं में शामिल थी शिखा मित्रा और तरुण साहा। शिखा मित्रा पूर्व दिग्गज कांग्रेसी नेता सोमेन मित्रा की पत्नी है। भारतीय जनता पार्टी ने चौरिंगी विधानसभा से शिखा मित्रा के नाम की घोषणा की कि वो चुनाव लड़ेंगी, लेकिन इसके बाद शिखा मित्रा ने एक वीडियो संदेश जारी किया और वीडियो संदेश में उन्होंने कहा कि ना तो वो कभी बीजेपी में थी ना अब बीजेपी में है, वो हमेशा से कांग्रेस में थी, हैं और रहेंगी। बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ना उनके लिए असंभव है। तरुण साहब, जिन्हें काशीपुर बेलगछिया विधानसभा सीट से टिकट दिया गया है, उन्होंने कहा कि वो तो टीएमसी के उम्मीदवार के लिए कैंपेनिंग कर रहे थे, तभी उन्हें यह सूचना मिली कि बीजेपी ने उन्हें टिकट दे दिया है। टिकट देने से पहले उनसे किसी भी तरह का कोई विचार विमर्श नहीं किया गया। बता दें कि तरुण साहा टीएमसी के एक जाने माने नेता हैं और उनकी पत्नी विधायक रह चुकी हैं, हालांकि इस बार उनकी पत्नी का टिकट काट दिया गया। इन दोनों के अलावा बीजेपी के टिकट वितरण ने उन तमाम कारणों को पैदा किया है जो ये सोचने पर मजबूर करती हैं कि क्या बीजेपी के पास उम्मीदवार तक नहीं है जिन्हें वो बंगाल इलेक्शंस में फील्ड कर सके। भारतीय जनता पार्टी ने 5 सांसदों को टिकट दिया है। इन 5 सांसदों में शामिल हैं बाबुल सुप्रियो, लॉकेट चटर्जी, निशित प्रामाणिक, जगन्नाथ सरकार और स्वपन दास गुप्ता। स्वपन दास गुप्ता राज्यसभा के सांसद थे जिन्होंने मंगलवार को अपना इस्तीफा दे दिया। इसके अलावा भारी संख्या में टीएमसी से जो आए हुए नेतागण हैं उनको भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया है और अपना उम्मीदवार बनाया है, जिसका भरसक विरोध पार्टी के अंदर हुआ। टीएमसी के ही नेता मुकुल रॉय को भी फील्ड किया है भारतीय जनता पार्टी ने। मुकुल रॉय का जो इलेक्टोरल एक्सपीरियंस है उसको देखें तो यह फैसला भी ठीक नहीं लगता। मुकुल रॉय ने अब तक केवल एक बार चुनाव लड़ा है, वो भी सन 2001 में, और उस चुनाव में भी मुकुल रॉय हार गए थे। कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी ने जो टिकट वितरण किया है वो ये बता रही है कि पार्टी के पास प्रदेश में कॉन्टेस्ट करवाने के लिए उम्मीदवार नहीं है। फिर ये दावे किस आधार पर किए गए थे कि 200 से अधिक सीटें जीत ली जाएंगी? अभी अभी जो ओपिनियन पोल आया है एबीपी सी वोटर का, वो भी ये बता रहा है कि स्पष्ट जनादेश के साथ टीएमसी बंगाल में सरकार बनाने वाली है। इन तमाम परिस्थितियों में प्रशांत किशोर के उस ट्वीट पर भरोसा करने के तमाम कारण पैदा होते हैं और तमाम लोग उस ट्वीट की तरफ जा रहे होंगे, उस ट्वीट को देख रहे होंगे। बंगाल चुनाव से जुड़े तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए पॉलिटिक्स। सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं वीडियो तो लाइक कीजिए हमारा पेज। शुक्रिया।